सो डियर, हम लोग जो है सोयल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो सोयल मैकेनिक्स में हम लोग जो है क्वेश्चन अब देखेंगे अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोहेजन सी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई एंड यूनिट वेट गामा ऑफ द सोयल 15 किलो पास्कल जो है ये कोहेजन दिया गया है, 20 डिग्री जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया गया है और 17.5 किलो न्यूटन है ना, न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है ये यूनिट वेट है सॉइल का। तो जो मैक्सिमम डेप्थ होगा अनसपोर्टेड एक्सकेवेशंस इन द सॉइल वो कितना होगा, है ना, वो जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ के लिए 4c बाई गामा अंडर रूट के ए को कैलकुलेट करेंगे। तो के ए को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - sin 5 / 1 + sin 5। तो 1 - sin 20° / 1 + sin 20° तो 0.49 आएगा। तो 0.49 यहाँ पे पुट कर देंगे, गामा इज इक्वल टू 17.5 और 4 और सी इज इक्वल टू 15, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, 4 मीटर, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर रिजिड रिटेनिंग वॉल, एक रिजिड रिटेनिंग वॉल को कंसिडर कर रहे हैं विद पार्शियली सबमर्ज्ड कोहेजन लेस बैकफिल, है ना, कोहेजन लेस सॉइल का बैकफिल जो है बनाया जा रहा है जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड है विद अ सरचार्ज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम क्लोजली रिप्रेजेंट द रेंकाइंस एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेंकाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट दिस वॉल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, ठीक है, ऑप्शन बी जो डायग्राम है ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि वर्टिकल आउट इज टू बी मेड, एक वर्टिकल आउट जो है बनाया जा रहा है सॉइल मास का यूज करके, यानी सॉइल सैंपल का यूज करके, हैविंग कोहेजन, जिसका कोहेजन जो है सी है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है फाई है एंड यूनिट वेट जो है गामा है। कंसिडर करना है कि के ए एंड के पी जो है ये कोफिशियंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का जो है दिया गया है। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकेवेशंस क्या होगा ये जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 4c बाय गामा अंडर रूट के ए, यही फॉर्मूला होता है जो कि ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करके जो है कैलकुलेट किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरचार्ज लोडिंग रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल बैकफिल ऑफ अ स्मूथ रिटेनिंग वर्टिकल वॉल है सो एज टू कंप्लीटली एस्टिमेट टेंसाइल क्रैक। टेंसाइल क्रैक को एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो 2c डिवाइडेड बाई अंडर रूट के ए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो है टेंसाइल क्रैक जो है वो निकलेगा, है ना, कंप्लीटली एलिमिनेट करते हुए। ओके, सर चार्ज लोडिंग, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, स्मूथ रिजिड रिटेनिंग वॉल जो है दिया गया है जो कि मूव हो रहा है सोन इन स्केच, है ना, स्केच यानी जो फिगर यहाँ पे दिया गया है इस स्केच में जो है आपको दिख रहा है, कॉजिंग द बैकफिल मटेरियल टू फेल, बैकफिल जो मटेरियल कर रहे हैं वो फेल हो जा रहा है। बैकफिल मटेरियल इज होमोजीनियस, बैकफिल जो मटेरियल कर रहे हैं वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है और मोहर कुलम फेलवर क्रिटेरिया को भी जो है ओबे करता है। तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो हमारा नॉर्मल टू द वॉल फोर्स, वॉल पे जो फोर्स लगेगा उसके नॉर्मली जो है होंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सैंपल ऑफ ड्राई कोहेजन लेस सॉइल विद फ्रिक्शन एंगल जो है फाई दिया गया है, फेलुअर प्लेन विल बी इंक्लाइंड, जो फेलुअर प्लेन है वो इंक्लाइंड किया जा रहा है टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के बाय एन एंगल टू। तो कितना एंगल होगा, तो 45 + 5/2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ
सिग्मा एच, सिग्मा वी डैश एंड सिग्मा एच डैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। किस पे? तो सॉइल के एक एलिमेंट पे जो है लग रहा है। तो जो कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर फाई होगा एट रेस्ट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एच डैश बाई सिग्मा वी डैश का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ रिटेनिंग वॉल, व्हेन अ रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, बैकफिल के से दूर भागता है, है ना, द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन वॉल इज टर्म्ड एज। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा रिटेनिंग वॉल पे वो कौन सा प्रेशर होगा? तो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा। फिगर गिवेन बिलो, जो कि फिगर नीचे दिया गया है आपको मैं दिखाता हूँ, शोज अ स्मूथ वर्टिकल ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को जो है शो करता है विद कोहेजन लेस सॉइल। कैसा सॉइल है? कोहेजन लेस सॉइल है। वैकफिल हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है फाई दिया गया है इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की मदद से यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, जो कि रैंकाइंस एक्टिव अर्थ प्रेशर को, प्रेशर फॉर द रिटेनिंग वॉल को जो है शो करता है। फिगर लेंथ ओपी रिप्रेजेंट, तो लेंथ जो ओपी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, यहाँ पे ओ है ना, और यहाँ पे जो है पी है, तो ये ओपी को जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं, इसमें जो है आपको बताना है, ठीक है। तो जो लेंथ ओपी है यानी ओपी का जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल स्ट्रेस एट द बेस, बेस पे वर्टिकल स्ट्रेस कितना एक्ट होगा उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहेजन ले, कोहेजन इन सॉइल, सॉइल में अगर कोहेजन है तो क्या होगा? तो डिक्रीज एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल में जो डेप्थ होगा टेंशन क्रैक का यानी जेड सी आर वो क्या होगा, है ना, या किस फॉर्मूला की मदद से कैसे रिलेशंस होंगे वो बताना है। तो यहाँ पे जो है जेड सी आर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा टू सी गामा इन टू टेन 45 प्लस 5 बाई टू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो वेज थ्योरी पे। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक इन द सॉफ्ट क्ले यानी phi u इज इक्वल टू जीरो है, तो जो डेप्थ होगा टेंशन क्रैक का वो क्या होगा? तो टू सी यू बाई गामा, है ना, टू सी यू बाई गामा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर को जो है डिटरमाइन करना है कूलम्स वेज थ्योरी एज्यूम्स, तो जो कूलम्स वेज थ्योरी है वो किस चीज को एज्यूम करता है? दो, तो पहला ऑप्शन दिया गया बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, नहीं भाई ये गलत है, इसको एज्यूम नहीं करता है। सॉइल इज नॉट होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ये भी गलत है। जो एजम्पशंस है वो है वॉल सरफेस इज रफ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द वॉल शोन इन फिगर, फिगर में जो वॉल दिया गया है ये आपका दिया गया है इज फेल्ड, ये फेल्ड हो जाता है, द काउज ऑफ फेलुअर एंड एरर मेड इन द डिजाइन ऑफ फेल्ड वॉल, है ना, वॉल में फेल्ड होने के कारण से जो है फेलुअर या एरर जो है बनता है। तो चार ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं कौन सा जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे होगा। तो नो प्रॉपर ड्रेनेज इन द क्ले बैकफिल, क्ले का जो बैकफिल है इसमें प्रॉपर ड्रेनेज जो है नहीं बनाया गया है जिसके कारण से जो है जो डिजाइन किए हैं या जो फेलुअर हो रहा है वो उसका मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका द अर्थ प्रेशर फॉर द डिजाइन ऑफ ब्रिज एब्यूटमेंट्स इज गिवेन एज, दिया जाता है, है ना, तो ये थ्रस्ट इन एट रेस्ट कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ रिटेनिंग वॉल अ हाइट 10 मीटर विद क्ले बैक फिल इज शोन इन फिगर, फिगर में दिया गया है वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज, जो वेट है रिटेनिंग वॉल का
वो है 5000 किलो न्यूटन पर मीटर एक्टिंग एट 3.3 मीटर, है ना, 3.3 मीटर पे जो है एक्ट हो रहा है फ्रॉम द टोई ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के टोई से। तो जो इंटरफेस है फ्रिक्शन एंगल का बिटवीन बेस ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड बेस सॉइल का, वो क्या होगा, वो जो है आपको 20 डिग्री दिया गया है। डेप्थ ऑफ जो क्ले है इन फ्रंट ऑफ वॉल जो है 2 मीटर का है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले बैकफिल एंड क्ले प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज सेम, एक जैसा है। एज्यूम डैट, एज्यूम करना है कि जो टेंशन क्रैक है जो कि फिल्ड किया गया है विद वाटर के साथ, यूज रेंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी को जो है यूज करना है और यूनिट वेट ऑफ वाटर को जो है लेकर चलना है। ये जो है आपका फिगर जो है यहाँ पे दिया गया है, इस फिगर के अनुसार आपको जो है कैलकुलेट करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फेलुअर जो है रिटेनिंग वॉल का, आफ्टर इग्नोरिंग द पैसिव अर्थ प्रेशर को इग्नोर करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा ताकि स्लाइडिंग फेलुअर के अगेंस्ट हो रिटेनिंग वॉल में, तो वो बताना है। तो यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है, इस तरीके से बन रहा है, इधर क्ले है और यहाँ से ये जो हाइट है ये 2 मीटर का है। यहाँ पे जो है 5000 न्यूटन का जो है वेट लग रहा है जो कि इस टोई से 3.3 मीटर दूर है इस साइड में, और इसका टोटल हाइट जो है बैकफिल का जो है 10 मीटर का जो है हाइट जो है दिया गया है, है ना। और ये डेप्थ ऑफ क्ले इन फ्रंट ऑफ बॉल जो है दिया गया 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्ले मटेरियल्स इधर भी जो है आपका है, ये बेस सॉइल है। यहाँ पे जो गामा है वह 17.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फाई जो है 0 डिग्री और सी जो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं तो ये जेड नोट है, तो यहाँ पे टोटल हाइट जो है 10 है, तो 10 माइनस जेड नोट जो है हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस डायग्राम बनेंगे वो बनेगा आपका गामा एच माइनस 2 CU, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, के ए गामा जेड प्लस माइनस 2 CU अंडर रूट के ए, ये इक्वेशन 1। के ए को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 0 प्लस 1 प्लस साइन 0, तो आ जाएगा 1 वैल्यू जो है के ए का वैल्यू आ जाएगा। सो एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि के ए जो है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो गामा जेड माइनस 2 CU जो है आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। टेंशन क्रैक विल एग्जिस्ट अप टू डेप्थ जेड नोट, जेड नोट तक जो है टेंशन क्रैक जो है एग्जिस्ट करेगा। सो गामा जेड नोट माइनस 2 CU इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जेड नोट इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 CU गामा यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है जेड नोट का वो आ जाएगा 3.48 मीटर, है ना। टोटल हाइट कितना है 10 मीटर, 10 मीटर में से 3.48 मीटर जो है ये आपका टेंशन क्रैक यहाँ तक जो है एग्जिस्ट करेगा। जो टोटल एक्टिव थ्रस्ट होगा ड्यू टू ग्रेन एंड वाटर प्रेशर वो हो जाएगा हाफ गामा एच माइनस 2 CU इंटू एच माइनस एच नोट इंटू 1 प्लस हाफ गामा डब्ल्यू जेड नोट इंटू जेड नोट इंटू 1। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो टोटल एक्टिव थ्रस्ट आएगा वो 424.34 जो है किलो न्यूटन मीटर जो है आपका आ जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टली जो है एक्ट होगा। और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करने के लिए एन टेन डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन डेल्टा हो जाएगा। सो 5000 गुने 10 20 डिग्री यानी 1819.8 किलो न्यूटन जो है आपका आएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई जो टोटल एक्टिव थ्रस्ट था, वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.28 जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल 5 मीटर हाइट जो है दिया गया है, वर्टिकल रिटेनिंग वॉल का, हैज टू सपोर्ट सॉइल, सॉइल पे जो है सपोर्टेड है, हैविंग यूनिट वेट जो दिया गया है सॉइल का वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है,
इफेक्टिव कोहेजन जो है 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल जो है 30 डिग्री दिया गया है एज पर रिंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी। जो रिंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी है उसके अनुसार एंड एज्यूम करना है हमें कि टेंशन क्रैक जो है वो अकर्ड हो रहा है, तो जो लैटरल एक्टिव थ्रस्ट होगा वॉल पे पर मीटर लेंथ के अनुसार वो कितना होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर जो है आपका हो जाएगा जो कि 5 मीटर हाइट तक जो है रिटेनिंग वॉल है जिसमें जो है डेप्थ एट विच प्रेशर विल बी जीरो, वह डेप्थ जहां तक जो है प्रेशर जीरो होगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे गामा जेड के ए माइनस टू सी अंडर रूट के ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो है के ए निकालेंगे उसके बाद ही ना जेड निकालेंगे, तो एज्यूम कर लेंगे कि के ए जो है वो हमारा 1/3 है, तो 1/3 अगर के इज इक्वल टू पुट करेंगे तो हम लोग जो है जेड इज इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू आएगा 2.3 मीटर जो है आ जाएगा। तो प्रेशर एट बॉटम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 12 अंडर रूट 1/3, तो आ जाएगा प्रेशर एट बॉटम ऑफ सॉइल 16.14 किलो पास्कल। सो लैटरल एक्टिव थ्रस्ट पर मीटर जो है 1/2 इंटू 2.69 इंटू 16.14 तो 21.71 किलो न्यूटन मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ 5 मीटर हाई वर्टिकल वॉल हैज ए सैचुरेटेड क्ले बैकफिल, द सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है एंड कोहेजन ऑफ क्ले जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एंड 20 किलो पास्कल जो है दिया गया है ना। कोहेजन जो है 20 किलो पास्कल दिया गया है और सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले जो है 0 दिया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। द हाइट ऑफ वॉल इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड, जो हाइट ऑफ वॉल है उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो उसको इंक्रीज किया जाए। ड्राई सैंड इज यूज्ड एज बैकफिल एबव द क्ले फॉर द इंक्रीज्ड पोर्शन ऑफ वॉल, जो इंक्रीज्ड पोर्शन है उस तक क्या यूज किया गया है, ड्राई सैंड को जो है यूज किया गया है। द यूनिट वेट एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड आर 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 30 डिग्री जो है रिस्पेक्टिवली जो है हमारा दिया गया है ना। 30 डिग्री जो हमारा क्या दिया गया है, इंटरनल एंगल फ्रिक्शन सैंड का और यूनिट वेट दिया गया है सैंड का 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एज्यूम करना है कि जो बैक ऑफ वॉल होगा वो स्मूथ है एंड टॉप ऑफ द बैकफिल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन जोन। टेंशन जोन को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो भी डेवलपमेंट होता है उसको, तो मिनिमम हाइट बाय विच वॉल हैज टू बी रेज, तो मिनिमम कितना हाइट तक जो है रेज करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जो है मिनिमम हाइट ऑफ बैकफिल जो है उसको एज्यूम करेंगे जो कि एच से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है पहले 5 मीटर तक बनाए बट फिर जो है एच हाइट तक जो है सैंड को जो है ड्राई सैंड को लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे क्ले के लिए जो है डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस डायग्राम बनाया तो इस तरीके का जो है डायग्राम बन गया। तो के ए जो है निकालेंगे क्ले के लिए तो 1 - sin θ / 1 + sin θ इज इक्वल टू 1 - sin θ / 1 + sin θ, 0 0 sin 0 करेंगे तो 1 आएगा, क्ले के लिए जो है 1 आ गया। सो 2c इज इक्वल टू के ए क्ले इंटू गामा सैंड इंटू एच, तो यहां से जो है एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू 2c / kA क्ले इंटू गामा सैंड, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 20/16 × 1 यानी 2.5 मीटर इज द राइट आंसर। तो ये यहाँ पे जो है सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको समझने हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे जानेंगे तो आपको जो है मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कई बार मैं बोला हूँ, और मन से हारे हार है मन से जीते जीत। तो कभी भी अपने आप को नहीं हारा हुआ महसूस करना है, अपने आप को हमेशा बोलना है I am the best, कुछ भी हो जाए I am the best, बस ये अपने मन में हमेशा याद रखना। डेफिनेटली आपकी
जीत होगी, आपको कोई हरा नहीं सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल या फिर हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको जो है मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।